हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी नई रेसिपी लेके आए हैं कि मलाई से घी कैसे निकाले, वो भी बिल्कुल 5 मिनट में, और बहुत सारा मक्खन निकलता है इस तरीके से अगर मलाई से घी निकालेंगे तो। ये हमने 7 दिन की मलाई स्टोर करके फ्रिज में रख रखा था। हमने मलाई को 2 घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था कि ज्यादा ठंडी मलाई से घी नहीं निकलता है आसानी से, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और घी भी अच्छे से नहीं आता है। तो अब ये नॉर्मल टेम्परेचर हो गया है, इसको सिर्फ 5 मिनट में घी निकल जाएगा। ये हमने कढ़ाई ली है तो इसमें मलाई को डालेंगे। ये देखो, मलाई को हम कढ़ाई में डाल दिए हैं और इसको थोड़ी देर हाथ से ऐसे चलाएंगे। ये देखिए, घी इसमें आने लगा है, पानी निकलने लगा है इसमें से, मलाई में से। और ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट लगती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास छाछ का। अगर छाछ डाल के निकालेंगे तो बिल्कुल मक्खन जैसा टेस्ट आता है इसमें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें घी में। अगर गरम करके भी वो करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए, घी हमारा आ गया है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल गया है, 2-3 मिनट लगी है हमारे को इसमें। ये देखिए, अब इसको अच्छे से साफ पानी से धुल के और निकाल लेंगे। थोड़ी सी इसमें बर्फ डालेंगे। अब इसमें जो हमने ये आइस लिया है वो डालेंगे कि अच्छी से ये बहुत ही टाइट वाला मक्खन तैयार होए। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे कि ये मक्खन है जो अच्छे से टाइट हो जाए, बर्फ पिघल के। और देखिए, टाइट भी होने लगा है ये। ये देखिए, हमारा मक्खन निकल के और तैयार हो गया है और पूरा अच्छे से इकट्ठा भी हो गया है ये। इसको बर्फ में छोड़ दिए हैं तो बिल्कुल सेट हो गया है ये, बढ़िया अच्छा टाइट हो गया। और देखिए, 7 दिन की मलाई में कितना सारा मक्खन निकला है ये, इसमें आप देख सकते हो। ये देखिए, हमने इसको पानी से भी धुल लिए हैं और अब इसको और अच्छे से जो भी इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इसमें उसको निकाल के और फिर इसको गर्म करेंगे। आप आसानी से 7 दिन में 1 किलो घी निकाल सकते हैं घर में ही। ये देखो, इसको 3-4 बार हमने पानी से धो लिए हैं। और बिल्कुल साफ हो गया ये। अब गैस ऑन करेंगे और अब इसको पकाना है। ये देखो, पिघलने लगा है घी है जो। ये देखिए, अच्छे से पिघल गया है और घी का जैसा कलर भी आ गया है इसमें, देखो। अब इसका ये जो बीच में दूध है, जो भी इसका खट्टापन है, वो अच्छे से फट के वो नीचे जम जाएगा और घी तैयार हो जाएगा। ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है ये। देखिए, घी इसमें से अलग होने लगा है। और देखिए, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट लगती है टोटल इसको पकाने में और मक्खन निकालने में। देखिए, ये घी निकल के और तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा और पकाना है
ये देख सकते हैं आप, पूरा घी अलग हो गया है और इसका ये अंदर का जो मक्खन है जो फटके और नीचे जमने लगा है, देखिए। और आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आसानी से आप घर का शुद्ध घी निकाल के और खा सकते हैं। बाहर का घी आज किसी को भी पसंद नहीं है, घर की शुद्ध चीजें ही सबको पसंद है। ये देखिए तैयार हो गया है घी निकल के। इस तरीका का घी निकाला हुआ आप 6 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं खराब होता है ये, और इतनी अच्छी खुशबू भी आती है इसमें घर का घी में। अब इसकी गैस बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद में इसको डिब्बा में डालेंगे। ये देखिए गैस इसकी बंद कर दिए हैं और देखो कितना अच्छा कलर आया घी का। ये देखिए घी हमारा ठंडा हो गया है, इसको एक बर्तन में डाल लेंगे छान के। ये हमने एक कटोरा लिया है और एक ये छन्नी लिए हैं, इसमें छान लेंगे। ये देखिए हमने घी को पूरा को छान लिए हैं और आप देख सकते हैं कितना सारा घी निकल के और तैयार हो गया है। बिल्कुल कुछ ही मिनटों में घी निकल के और तैयार हो गया है ये, और घर पे आसानी से घी आप निकाल सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बढ़िया शुद्ध घी खा सकते हैं घर पे ही। हमारे सिंपल तरीके की घी निकालने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूले। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, और जो नहीं करे हैं तो कर लीजिए। साइड में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले जिससे कि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।